नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी की रीजनिंग की सीरीज, और जितने भी हम रीजनिंग के सवाल लगवाएंगे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आए ही प्रश्न होंगे। जैसे कि आज जो 6 प्रश्न हम लेकर आए हैं, 17/11/2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके ही क्वेश्चन हैं। देखिए, एक व्हाइट बोर्ड में या फिर एक ही बार में हम सारे क्वेश्चन को तो बता नहीं सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम बताएंगे जो कि आपके लिए थोड़े टफ होंगे और पैटर्न आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, कम समय में अगर ज़्यादा आप नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप भीड़ में जाएंगे जहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोगों की भीड़ है, तो वहाँ पर जाके आप तैयारी करेंगे तो आप भीड़ में गायब हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और आप मेरे साथ रहेंगे तो आप जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देते ही हैं। आप आइए चैनल पर देखिए, हम लगभग लगभग हर अभ्यर्थी का रिप्लाई देते हैं, ताकि जो मैंने फेस किया वो आप लोग फेस ना करें। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप भीड़ से थोड़ा हटिए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगला टीचर भी वही क्वेश्चन बताएगा, लेकिन समय लेकर के। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जैसे एक क्वेश्चन दे दिया तो अब लाइव रहते हैं, तो लाइव पढ़ते रहते हैं, हाँ इसलिए ए आंसर दे रहे हैं, ए आंसर दे रहे हैं, तो एक सवाल पे 6 से 7 मिनट का समय लगाते हैं। लेकिन हम जो भी सवाल बताएंगे, सोचेंगे कि कम समय में ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करवा दें। तो चलिए, बातें होती रहेंगी, आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ करना ज़रूरी है, लेकिन इन 6 प्रश्नों को हम ऐसे लगाएंगे कि आपका समय ही बचेगा। आपको पता है कि बहुत ही कम समय में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 1 मिनट के लिए लगभग 45 सेकंड का समय मिलेगा, तो 45 सेकंड से भी कम में हम कैसे रीजनिंग के सवालों को हल कर दें। तो दोस्तों, उसी पे हम बात करेंगे। जैसे कि पहला सवाल हमारा है कि 57, 28, 29, 68 इंट्रोगेटिव मार्क, 33, 72, 37, 35, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो इसको देखिए पहले किस पैटर्न में। तो सबसे पहले जब ऐसे सवाल है तो क्या करना चाहिए, ऐसे जोड़ना चाहिए, फिर देखिए क्या आएगा सब, फिर इस तरीके से जोड़े, इस तरीके से जोड़िए, तो वैसे भी लग रहा है ये बड़े अंक हैं, ये छोटे अंक हैं, तो इधर से तो कोई सिमिलर लग नहीं रहा, फिर क्या करिए, इधर से आप इधर से जोड़िए, इधर से इधर जोड़िए, क्या हो रहा है, 7 × 2 = 5, 14, लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 4, ठीक है, यहाँ जोड़िए, 7, 8, 7, 15, 15, 9, 24, यहाँ भी 4, तो हो सकता है कि इधर के जोड़ने पर आंसर आपके आ जाए। तो ऐसे क्या करिए, ऐसे 8, 3, 11, 1, तो इसमें देखिए किसको हम लें, कि लास्ट में 4 है, तो 33 को अगर यहाँ हम रखते हैं तो चलिए जोड़ा जाए, 68, 33 और फिर 33, तो 8, 3, 11, 3, 14, 4, 6, 6, 6, 9, 12, 1, 13, 134, तो क्या इधर को भी जोड़ने पे 134 आ रहे हैं, जोड़ लिया जा रहा है, 70, 30, 100, 100, 135, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। अब क्या करिए, अभी मन में सोचते रहिए किस तरह से लगे। अब देखिए दूसरा पैटर्न क्या है, इस तरीके से जोड़ लें, इस तरीके से जोड़ लिए, अब क्या किया जाता है, इसमें से इसमें घटाइए, देखिए क्या आ रहा है, 57 में से 28 घटाइए, अब जैसे पहले से इसमें घटाइए तो 70 में से 9, 29 ही आएगा, फिर 72 में से 37 घटाइए, 72 में से 37 घटाएंगे तो 35 आएगा, तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, 68 है, 68 में से आप पहले 34 घटाइए तो आएगा 33 नहीं आएगा, 68 में से आप 35 घटाइए, फिर 68 में से आप 35 माइनस करिए, 8 में से 5 जाएगा 3, 6 में से 3 गया 3, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 35, ठीक है दोस्तों। तो पहले का आंसर हो गया आपका बी। एक बार आपको हम समझा दे रहे हैं कि किस तरीके से उसको लगाना है। जैसे कि पहले आप इस तरीके से जोड़िए सीक्वेंस में, फिर इस तरीके से जोड़िए, नहीं आ रहा तो पहले और इसको माइनस करिए, देखिए आ रहा है, इसको इसको माइनस करिए, देखिए आ रहा है, इसको इसको प्लस करिए, इसको इसको करिए, मतलब इस तरीके से आप जब करेंगे हर पैटर्न को आप समझने का प्रयास करिए, तभी आप इसके सटीक आंसर तक जा पाएंगे। तो इसका आंसर कैसे आया दोस्तों, पहले और इसमें माइनस किया गया है तभी आया, या तो इसको इसको जोड़ा गया है, 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 तो लास्ट वाला अंक यह है, ठीक है। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। हो गया पहला सवाल, अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 16, 9, 27, 19, 76, 67, 335, 335। अब इसमें पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या दिया है, 16 के बाद 9, मतलब -7 किया है, फिर यहाँ प्लस कर दिया है, मतलब घटाने से तो होगा नहीं, 16 9 प्लस करिए 25 आ रहा है, फिर इसमें इसमें जुड़िए 19, नहीं ये पैटर्न भी नहीं, फिर आप देखिए कहीं ना कहीं देखिए क्या लग रहा है, 9 के बाद 27 आ रहा है, इंटू किया इसका मतलब 9 + 27, 19 के बाद 76 आया है, गुणा किया 19 + 76, 67 के बाद
335 मतलब गुड़ किया, मतलब कि इसमें गुड़ा हो रहा है। कैसे हो रहा है कि अब पहला हम हटा दे रहे हैं, पहला सवाल हटा देंगे ताकि जगह हो जाए, जगह बहुत कम है दोस्तों। तो अब देखें बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, जैसे कि अब इसमें देखिए आप करिए 9 गुड़े 3 फिर 19 गुड़े 4 67 गुड़े 5 ठीक है। लेकिन इसके बाद तो गुड़े वाला है नहीं, यही पहला ना आंसर, तो कैसे आएगा देखिए 19 और 9 ये आएगा -7 9 7 16 फिर आइए 27 और 19 -8 ठीक 76 और 9 -9 तो 335 और 10 में देखिए 7 आया 8 9 स्वाभाविक से -10 करना है तो -10 करेंगे तो क्या आएगा 325 ऑप्शन नंबर थर्ड या फिर ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से समय बचाने का तरीका है कि पहले देखिए इसमें क्या क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे 9 है 27 है फिर 19 76 इसका मतलब कहीं ना कहीं गुड़े वाली चीज़ें हैं इसमें, तो 9 3 27 19 4 76 67 2 5 335 ठीक है। अब देखिए इसमें से माइनस के 7 16 में से माइनस होगा 7 आएगा 9 फिर 27 में से 8 माइनस करेंगे 19 आएगा फिर 76 में से 9 माइनस करेंगे 67 और 335 में से हम माइनस करेंगे 10 तो 325 आंसर आ जाएगा आपका ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पासा से आपके यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर में या फिर एसएससी जीडी में सब में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इसको लगाने का तरीका एक बार हम बता देंगे तो हमेशा आपका काम करेगा। जैसे कि 3 है 4 है 1 है फिर यहाँ पे 5 3 2 तो पूछा क्या है 6 के विपरीत बहुत ही आसानी से लगाएंगे। इसमें देखिए सिमिलर कौन है, सिमिलर है 3 दोनों पासे में कौन सा अंक है 3 है तो पहले पासा का हम लिखते हैं 3 फिर क्लॉकवाइज जिस तरीके से घड़ी चलती है इस तरीके से घड़ी चलती है हमेशा दाहिने तरफ क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज में चलाइए यहाँ से क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से ठीक है इस तरीके से करेंगे 3 1 4 लिख दीजिए फिर यहाँ देखिए यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलिए दूसरे पास में भी 3 के नीचे 3 लिख दीजिए फिर क्लॉकवाइज चलेंगे 2 आएगा 5 आएगा पूछा किसके 6 के विपरीत 4 के विपरीत 5 हो गया 4 ऑप्शन आएगा नहीं 1 के विपरीत 2 हो गया 1 भी कैंसिल 2 भी कैंसिल 6 के विपरीत क्या हो गया 3 है 3 के विपरीत 3 होगा नहीं 3 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों 6 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर C क्लियर है दोस्तों। कैसे लगा है? समझ में नहीं आया होगा तो बता दे रहे हैं हमेशा जो सिमिलर अंक होता है उसी को आधार बनाइए और क्लॉकवाइज चलिए जैसे क्लॉक जैसे घड़ी चलती है उस तरीके से या फिर अपने दाहिने हाथ की दिशा की ओर चलिए सीधी बात अपने दाहिने हाथ की दिशा की ओर तो दाहिने की हाथ और आएंगे तो पहले आएगा 1 फिर आएगा 4 3 1 4 इस तरीके से लिख दीजिए फिर 3 के नीचे 3 मतलब अगर यहाँ 4 रहता तो हम 4 को ही आधार बनाते 3 है तो 3 को ही आधार बना के हम सवाल हल करेंगे तो 3 को आधार बनाए 3 इसमें भी है 3 इसमें 3 के नीचे 3 लिख देंगे फिर क्लॉकवाइज चलेंगे 2 आएगा फिर 5 आएगा 2 आएगा 5 आएगा तो जो जो नीचे आ रहा है वही उसके विपरीत वाले अंक होते हैं ठीक है। अब हम लगाते हैं विनायक से सवाल, माता पिता पुरुष। पहले तो आप खुद लगाने का प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और अब इतने सिंपल नहीं होंगे कि कुर्सी मेज फर्नीचर का दे देगा आप लगा लेंगे ठीक है। अब सवाल इसी तरीके से आएंगे कि आपको कंफ्यूज किया जाए कि क्या होगा। देखिए माता है पिता है पुरुष है ऑप्शन से हम पहले लगाते हैं तो मान लीजिए ऑप्शन पहले रखते हैं ये हो गया माता पिता या पुरुष क्या माने मान लीजिए इसको मान लीजिए माता ये हो गया पिता ये हो गया पुरुष तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है मतलब अगर बात करें इस सवाल के आंसर की तो ए है आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर कुछ लोग सी इसका समझ रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। देखिए इसमें माता आप किसको मानेंगे क्योंकि अगर कोई पुरुष है तो स्त्रीलिंग तो होगा ही नहीं ठीक है। मान लीजिए हम इसको माता मान रहे हैं तो भाई क्या कुछ पुरुष माता है या कुछ पिता माता है एकदम नहीं गलत जाएगा। इसको माता पिता पुरुष तो क्या कुछ पुरुष तो पिता होते ही हैं ऐसे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे पुरुष पिता लेकिन कुछ तो पुरुष पिता होते हैं तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसमें अगर बात करें योगी माता मान लीजिए अंदर वालों को हम लोग मान लीजिए पुरुष बाहर को पिता तो क्या सभी पुरुष पिता होते हैं नहीं भाई कुछ पुरुष तो बच्चे भी होते हैं तो इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा सेक्शन क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से हम बताएंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा और जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। सबके लिए पहले कठिन होता है कोई भी सवाल पहले समझ में नहीं आता है धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी बात करें हम बहुत ही अच्छा सवाल है अगर बात करें पी के बाद यहाँ पे खाली स्थान है आर क्यू पी एस देखिए आप लगा लेंगे लेकिन आपको कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा। हम उसी को बताएंगे कि आप कैसे इसे 2 मिनट से 20 मिनट में ही लगा सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पकड़िए पी दिया है ना
पहला ऑप्शन पी है, लास्ट ऑप्शन है क्यू, मतलब लास्ट आंकड़ा है क्यू। तो पी के बाद देखिए क्या दिया है, पी के बाद यहाँ है यस, लास्ट क्यू है ना, क्यू के पहले देखिए आर दिखा, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, इसका मतलब क्यू के पहले आर रहेगा, पी के बाद में यस रहेगा। तो रखते चलिए, यहाँ है पी, यहाँ रख दीजिए यस, ठीक है, फिर छोड़िए, अभी छोड़िए, पी के बाद डायरेक्ट रखिए यस, और क्यू के पहले क्या आया आर, अब देखिए यहाँ भी है ना, तो क्यू के पहले आया आर, तो ये देखिए आर है, ये आर के बाद आएगा क्यू, बस ये ऑप्शन रख लीजिए। तो गिनिए, पहले आएगा यस, तो यस कहाँ कहाँ ऑप्शन में है, बी है, सी, डी, तो ए ऑप्शन खत्म, ठीक, बाय बाय टाटा। अब देखिए दूसरी जगह पे हम देखेंगे, तो एक उसको हटाइए, एक दो तीन चार पाँच, चौथे और पांचवें अंक पे आएगा एस आर, तो देखिए चौथे और पांचवें पर एस आर, एक दो तीन चार पाँच, चौथे पांचवें एस आर यहाँ आ गया, एक दो तीन चार पाँच, चौथे पांचवें एस आर यहाँ आ गया, एक दो तीन चार पाँच, ए ऑप्शन खत्म। ऑप्शन बी और सी में कन्फ्यूजन है, अब देखिए क्या करना है, तो आर के बाद आया है क्यू, ठीक है, आर के बाद आया है क्यू, समझ में आया, लेकिन क्यू के बाद क्या रहा है पी, पी के बाद क्या है यस, तो यहाँ यस रखिए, तो इसके बाद लास्ट वाला हमारा यस ऑप्शन होना चाहिए, तो लास्ट में ए भी यस है, ए भी यस है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी उसको देखिए यस के बाद क्या रहा है आर, उसके बाद क्यू, तो यहाँ पे देखिए आर रखिए, यहाँ पे क्यू, अब देख लीजिए, अब आंसर मिला लीजिए, यस के बाद आया है आर, उसके बाद आया क्यू, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्यू के बाद आएगा पी, तो पी क्यू यस, तो पी क्यू यस इसमें भी है, पी क्यू यस इसमें भी है, तो यस आर क्यू ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको आप रखिए, जैसे पी यस आर क्यू, 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 अब डिवाइड करिए, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, देखिए लग गया ना ऑप्शन नंबर बी, पी एस आर क्यू, 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 इस तरीके से आपको तोड़ना है। पहले इन्हें एक डिवाइड करने लगे, पहले पैटर्न आप समझिए कि पैटर्न में क्या क्या कह रहा है, तब आप डिवाइड करिए, यहाँ से चार चार अंक, जैसे 16 है अंक, तो चार चार अंक में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हर बारे फॉलो नहीं करता, लेकिन जब आप पैटर्न समझ जाएंगे कि किसके आगे क्या जोड़ना है, किसके पीछे क्या जोड़ना है, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब हम जो अपना छठवां क्वेश्चन उसको बात करेंगे क्या है, देखिए दोस्तों कम ही सवाल हम पढ़ा पाएंगे, क्योंकि समय मेरे पास भी बहुत कम है, मुझे भी अपने आर ओ आर ओ की तैयारी करना है, तो इसलिए बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, और आप मान के चलिए दोस्तों अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा तो एसएससी जीडी में आप कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चन सही करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि हम ऑलरेडी एसएससी जीडी के 2018 में एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, यूपीएसआई को भी क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं, जो कि ग्रुप सी डी लेवल तक की बात है, लेकिन यह कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों बात की जाए एसएससी जीडी का तो बहुत ही आसान एग्जाम होता है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही आसान से सिलेक्शन हो सकता है, बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसे देखिए लास्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, पहले पैटर्न समझिए पैटर्न कहाँ क्या रहा है, तो देखिए यह कोडिंग रिकॉर्डिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग को लगाने का सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप ऐसे लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, आगे नहीं लिखना पूरा, अब यहाँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखिए 10 से 15 सेकंड में हम लिख लिए, ठीक आप भी लिख लेंगे 10 से 15 सेकंड में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब पैटर्न समझिए, एन को लिखा है 13, ओ को लिखा है 12, टी को लिखा है 71, टी को लिखा है 7 लिखा होगा, आई को लिखा है 18, ओ को लिखा है 12, एन को लिखा है 13। अब देखिए आप क्या किया है, एन का वैसे तो अंक होता है 14, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ आता है 13, यहाँ आता है 14, ओ का होता है 15, लेकिन कैसे ओ को 12 लिखा है, अब उसी पे हम बात करें, जैसे देखिए आइए सिक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यन होता है 14, लेकिन इसका विपरीत क्या है यम, तो विपरीत लिखा है 13, ओ का होता है 15, तो इसको क्या लिखा है 12, क्योंकि इसका विपरीत होता है 12, तो पैटर्न समझ में आ गया। इसी तरीके से अब इस पर फॉलो करिए, बी ई ए बी होता है 2, लेकिन 2 का विपरीत यहाँ है वाई, तो क्या हो जाएगा 25, ई ई है यहाँ 5, इसका विपरीत क्या है वी, वी मतलब 22, अब 25 कहाँ है ऑप्शन में, ए भी ऑप्शन गया, ए भी ऑप्शन गया, बस एक और डी बचा। अब देखिए
इस तरीके ये ना कि पूरा सवाल हल करिए, देखिए कहाँ डिफरेंस है, 26 तकसीम है 26 तकसीम है, फिर यहाँ देखिए लास्ट वाला देखिए, मतलब चौथा अंक देखिए, ये यू देखिए, ठीक है, यू का क्या है, यू यहाँ है, यू का है 21 को उल्टा 6, तो यहाँ ये 6 कहाँ है, 6 आपका ए में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। दोस्तों आपको मतलब इसका रिवर्स करना है, जैसे नोशन का रिवर्स किया है उसी तरीके से आपको भी रिवर्स कर देना है। उम्मीद है दोस्तों आपको जो रीजनिंग था वो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम रीजनिंग के सवाल लेंगे, कम ही लेंगे लेकिन जो लेंगे एकदम ऑथेंटिक लेंगे। तो इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे साथ रहते तो 100% मेरा दावा है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है। हम SSC GD के लिए जो रीजनिंग होता है उसको पूरा करवाएंगे, जो हिंदी होता है उसकी भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, और रह गई बात आपको GK की, तो GK डरने की आवश्यकता नहीं है। GK का हम करंट अफेयर पूरा का पूरा करवाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर मेरे लिए भी फायदेमंद है, हमको भी करंट अफेयर की तैयारी करना, तो जैसे पढ़ेंगे वैसे ही आपको पढ़ाते हुए रहेंगे, तो करंट अफेयर भी हम आपको देंगे, और GK के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो PYQ है हम उसको आपके जो MCQ बेस्ड होते हैं, वो विकल्पी प्रश्न होते हैं, उसको भी हम ला देंगे आपको 20-25 या फिर मैराथन क्लास ला देंगे, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन ताकि आपके पास मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।